आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सीए को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी कह चुके हैं कि राज्य सीए को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अब कांग्रेस नेता शशि थारूर ने कहा है कि सीए के खिलाफ राज्यों का प्रस्ताव लाना महज एक राजनीतिक कदम है, क्योंकि नागरिकता प्रदान करने में राज्यों की बमुश्किल ही कोई भूमिका होती है। नागरिकता देना सिर्फ केंद्र सरकार का काम है, कोई भी राज्य नागरिकता नहीं दे सकता। थारूर ने हालांकि यह जरूर कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने में राज्य की भूमिका अहम होगी, क्योंकि केंद्र के पास उसके लिए पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है और राज्य के अधिकारियों को उस काम में लगाना होगा। थारूर ने कहा सीए को लेकर वे राज्य प्रस्ताव पारित कर सकते हैं या कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वे क्या कर सकते हैं, राज्य यह नहीं कह सकते कि वे सीए को लागू नहीं करेंगे। वे जो कह सकते हैं वह यह कि एनपीआर एनआरसी लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उनकी अहम भूमिका है। टाटा स्टील कोलकाता लिटरेरी मीट में शिरकत करने पहुंचे सांसद थरूर ने कहा इस कानून को खत्म करने के दो ही रास्ते हैं, एक या तो सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए खारिज कर दे और दूसरा तरीका यह है कि सरकार खुद ही इसे रद्द कर दे, लेकिन दूसरा रास्ता संभव नहीं दिखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 विजेता बच्चों से चर्चा की। इस बार 49 बच्चों की उनकी बहादुरी और समाज सेवा के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। चर्चा के दौरान एक बच्चे ने पीएम से पूछा कि आप इतना काम करते हैं तो माँ की याद नहीं आती। इस पर पीएम ने जवाब दिया, माँ को याद करता हूँ तो पूरी थकान उतर जाती है। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को ज्ञान की कुछ बातें भी बताई, साथ ही कहा कि आपके साहस की कहानी को मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा ताकि बाकी बच्चे भी प्रेरणा ले सकें। ड्यूटी को प्राथमिकता कि राइट्स को प्राथमिकता? ड्यूटी। पक्का? Yes, सब सहमत हैं? Yes, चलिए हम आज एक कानून पास कर दिया। देखिए आप अपने समाज के प्रति राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी से और उसके लिए जिस प्रकार से जागरूक है, ये सिर्फ आपके माता पिता को नहीं, आपके परिवारजनों के लिए, जो भी आपके बारे में जानेगा उन सबको गर्व होगा, उनको पक्का गर्व होगा। देखिए मैं एक काम करूंगा, आप सबकी फोटो के साथ मैं आज आपकी जो स्टोरी है उसको मैं सोशल मीडिया में दुनिया से शेयर करूंगा। हर इंडिविजुअल कैसे आपने किया है, क्या कहाँ से आए हैं, कैसा रहा है, मैं लिखूंगा उसमें। लेकिन कुछ गलती हो जाए तो फिर आप नाराज मत हो जाना हैं, क्योंकि कभी कभी जानकारियों में गलती हो जाती है। देखिए दोस्तों, आप सब कहने को तो बहुत छोटी आयु के हैं, कम आयु के हैं, लेकिन आपको पता है आपने जो काम किया है उसको करने की बात छोड़ दीजिए, सोचने में भी बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते होंगे। आप में से जिन्होंने इनोवेशन किया होगा, जब अपने टीचर को बताऊंगा तो टीचर भी कहता है तुम मत, मेरा परेशान मत कर, तुम जाओ। उनका दिमाग खपाते होंगे तो टीचर भी नाराज हो जाते होंगे। मोदी ने बच्चों से कहा कि मैं आप सभी युवा साथियों के ऐसे साहसिक काम के बारे में जब भी सुनता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आप अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी के लिए जिस प्रकार से जागरूक हैं, ये देखकर गर्व होता है। आप सब कहने को तो बहुत छोटी उम्र आयु के हैं, लेकिन आपने जो काम किया है उसको करने की बात तो छोड़ दीजिए, उसे सोचने में भी बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जगह जगह बीजेपी नेताओं ने रैली निकाली, सभाएं की और सरकार का कच्चा चिट्ठा खोला। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने रैली निकाली और सभा की। बीजेपी ने कहा मध्य प्रदेश एक साल में बुरी स्थिति में पहुंच गया है, अफसरों और नेताओं में लूट का खेल चल रहा है, आम लोगों को माफिया बताकर परेशान किया जा रहा है, सरकार के बुरे हाल है। हम सब देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार द्वारा और प्रशासन को औजार बनाकर
विभिन्न जो है क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास, चाहे वो जमीनों के मामले में हो या अतिक्रमण के मामले में हो, ये करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर अभी 19 तारीख को जो सीए के पक्ष में ब्यावरा के अंदर देश पे प्रेमी जनता, वहाँ के नागरिक गण, वहाँ के समाज सेवी, वहाँ के जनप्रतिनिधि एकत्र होकर वहाँ पर सीए के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। वहाँ पर प्रशासन द्वारा जो दमन पूर्वक कार्रवाई वहाँ पर की गई है उसके विरोध में भी हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। खुद डीएम और एसडीएम ने आकर जो है वहाँ पर बड़े हमारे दो दो तीन तीन बार के पूर्व विधायक वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारे जिस प्रकार झूमा झटकी की है वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। ये सभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माफिया अभियान पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे कमजोर लोगों को निशाना बनाकर रसूखदारों से वसूली करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग नहीं चलता था, अब ट्रांसफर उद्योग बन गया है। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, महापौर मालिनी गौड़, विधायक रमेश मेंदोले और विधायक आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान सुमित्रा महाजन ने राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता के बारे में कहा कि उन्हें झांसी की रानी बनने की क्या जरूरत थी, कार्यकर्ता तो मंदिर परिसर में खड़े थे, कलेक्टर क्यों वहां गई। उन्होंने कहा अत्याचार किया तो भाजपा सहन नहीं करेगी। महू में विधायक उषा ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान महू विधायक उषा ठाकुर ने कहा कमलनाथ सरकार आम जनता के बीच भय का वातावरण निर्मित कर भ्रष्टाचार के नए तरीके निकाल रही है। माफियाओं के खिलाफ हो रहे कार्रवाई में कांग्रेस से जुड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर और घातक विषय है कि देश में संविधान का हिस्सा बन जाने के बाद, राज्यसभा लोकसभा से कानून पारित हो जाने के बाद इस प्रकार की देशद्रोहिता का परिचय देना ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति के पक्ष में कदापि नहीं हो सकता। ये बहुत दुखदायी स्थितियां हैं। जो भी राजनीतिक दल निजी स्वार्थों के लिए इस प्रकार के कार्य आचरण में सहयोगी बन रहे हैं उन सबको एक दिन पछताना ही होगा। कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जबलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में किया गया, जहां मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। मिश्रा ने प्रदेश सरकार के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने घुसपैठियों की पहचान पोहा के जरिए होने की बात कही थी। उन्होंने अपने सामने हुए वाक्य को पेश किया था, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना ने विजयवर्गीय के बयान को पोहा खाने वालों का अपमान बताया। विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा कि इंदौर के नेता ने पोहा खाने वालों का अपमान किया है। शिवसेना ने सवाल किया कि आखिर पोहा खाने वाले बांग्लादेशी कैसे हैं। मुस्लिम लीडर ओवैसी ने विजयवर्गीय पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मजदूरों को पोहा नहीं सिर्फ हलवा खाना चाहिए, तभी उन्हें भारतीय, भारत का शहरी कहा जाएगा। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ मजदूरों को उन्होंने पोहा खाते हुए देखा था। जब उन्होंने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि वे बांग्लादेशी निकले। एक थाली के अंदर 6-7 मजदूर इतने सारे पोहे, मतलब कम से कम 10 प्लेट एक थाली में रखे पोहे खा रहे थे। मैंने कहा पोहे क्यों खा रहे थे? मैंने कहा, मैंने अपने सरबन को बुलाया, मैंने कहा भाई इनको रोटी वोटी नहीं, उन्होंने रोटी खाती नहीं। सर बुलाया मैंने, मैंने कहा ये कहाँ के लोग हैं? सर शायद सर ये बाहर के हैं सर। तो मैंने कहा तुम इनको कैसे मेरे सामने लगाए? सर ये सस्ता ले पा रहे। बोले कि सर क्या मतलब? बोले सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, 2 टाइम खाना देते, 300 रुपये लेते हैं, और अपना मजदूर 600 रुपये लेता और 5 बजे काम करके चले जाता है, इसलिए हम 3 मजदूरों पर बांग्लादेश।
जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक आयोजन में ये चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उनके घर संदिग्ध बांग्लादेशी काम कर रहे थे। विजयवर्गीय ने बताया कि छोटे बेटे का विवाह अगले महीने है, उसका कमरा मजदूर तैयार कर रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो 5-6 मजदूर एक ही थाली में पोहे खा रहे थे। मैंने नौकर को कहा कि उन्हें खाना क्यों नहीं दिया, तो नौकर ने कहा कि ये सिर्फ पोहा ही खाते हैं। मैंने मजदूरों से पूछा कि कहां से हो, तो वे बता नहीं पाए क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि उन्हें ज्यादा सुरक्षा पसंद नहीं है। मंत्री था तब भी साथ में सुरक्षा कर्मी नहीं रखता था, लेकिन घुसपैठिए देश के कई हिस्सों में है। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो 6-6 बंदूकधारी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि इंदौर में 1.5 साल से एक आतंकी उनकी रैकी कर रहा था, इसीलिए उन्हें सुरक्षा मिली है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शाहीन बाग वाले बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा, योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, यह भाषा उन्हें शोभा नहीं देती। सीएम योगी गुरु गोरखनाथ की गद्दी पर बैठे हैं। गोरखनाथ वही हैं जिन्होंने लोगों को सम्मान दिलाया, और खासकर उन लोगों को सम्मान दिलाया जिन्हें सम्मान नहीं मिलता था। योगी आदित्यनाथ भड़काने वाले बयान दे रहे हैं और समाज में अशांति वाला व्यवहार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में कहा था कि सीए का विरोध करने वाले लोगों ने सड़कों पर महिलाओं को आगे कर दिया है और खुद रजाई में सो रहे हैं। दिग्विजय ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पोहे को पहचानने वाले बयान को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि जब से इंदौर में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है तब से वो थोड़ा विचलित हो गए हैं। आजकल वो थोड़े से विचलित हैं जब से माफियाओं पर इंदौर में कार्रवाई हुई है, कैलाश जी बहुत विचलित हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का दावोस इकोनॉमिक फोरम में जाना सफल रहा। प्रदेश में 4,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है और यह मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अमेजॉन कंपनी मध्य प्रदेश में 650 मेगावाट का डेटा सेंटर खोलने की बात कही है। मंडीदीप में सऊदी की कंपनी 125 करोड़ का निवेश करेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो उन्होंने सम्मेलन अटेंड किया था बहुत सफल रहा। वो 4,125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने की संभावना बढ़ गई है और आ ही रहा है, और अमेजॉन कंपनी मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर 650 मेगावाट का खोलने के लिए उत्सुक है, तो निश्चित तौर पर ये डाटा सेंटर जो अभी बड़े बड़े शहरों में देश के दिल्ली या तमिलनाडु के अंदर जगह जगह पर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उन्होंने इच्छा अमेजॉन ने जताई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और ये बहुत बड़ा काम होगा। पीसी शर्मा ने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में जो किसान फॉर्म भरने से छूट गए हैं उनको 30 जनवरी तक फॉर्म भरने की सीमा दी गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ का निर्णय है कि कोई भी किसान नहीं छूटना चाहिए। फरवरी में फिर से दूसरा चरण शुरू होगा। अतिथि विद्वानों को 3 फरवरी तक ज्वाइन करने का टाइम दिया गया है। उनको 30 तारीख तक अपनी पूरी जानकारी अपडेट करना होगी। मेरिट के आधार पर उनको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। शर्मा ने कहा वर्ल्ड हेरिटेज में मांडू और ओरछा शामिल हो रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश का पर्यटन के मामले में वर्ल्ड लेवल पर नाम बढ़ेगा। भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य के बयान पर कहा कि पहले अपना उत्तर प्रदेश संभालें, वहां 28 लोगों की जाने गई हैं, यहां क्या आप आग लगाने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा बढ़ा है, देश की मूल समस्या बेरोजगारी है, देश के मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। आज मंदी है, बेरोजगारी है, लेकिन केंद्र सरकार उसकी बात नहीं कर रही है। लगातार मंदी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, उसकी चिंता करे केंद्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है वो इन सब कामों को छोड़ के जो देश में मंदी है और लगातार जीडीपी घट रहा है उसकी चिंता करे, और यहाँ के अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे उस पर ध्यान लगाए, क्योंकि आपने
आरबीआई से पहले 1,74,000 करोड़ रुपए निकाला, बाद में 47,000 करोड़ निकाला, आम जनता के हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकार जन्म से 5 साल तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाएगी। पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की तर्ज पर स्वर्ण प्राशन होगा। सभी आयुर्वेद अस्पतालों में स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाएगा। इस संस्कार में सोने की पतली रॉड को गर्म करके पानी में डुबो दिया जाता है। इसके बाद इस पानी की 2-2 बूंद बच्चों को पिलाई जाती है। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चों की शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ती है, साथ ही उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। आयुष विभाग के सचिव सह आयुक्त एमके अग्रवाल ने आयुष विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए हैं। ऐसा होने से मध्य प्रदेश के तमाम बच्चों को बड़ा लाभ होगा। आयुर्वेद आचार्य मानते हैं कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम होगा और ये बच्चों में विलक्षण परिणाम ला कर देगा। स्वर्ण प्राशन के जो लाभ हैं विशेष रूप से वो ये हैं कि स्वर्ण प्राशन में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। उनमें बार बार बीमार जो बच्चे पड़ते हैं वो बीमार पड़ना कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में स्वर्ण भस्म और आपका घृत और शहद ये बहुत जल्दी बच्चों में एब्सॉर्ब होता है, क्योंकि बच्चों का जो तासीर होती है उसके उनका विकास बहुत जल्दी बढ़ता है। बच्चों में स्वर्ण प्राशन से इंटेलेक्चुअल पावर जो रहती है बढ़ती है, उनमें बुद्धि का विकास होता है, चीज़ों को जल्दी ग्रहण करने की एक शक्ति पैदा होती है। स्वर्ण प्राशन में स्टेमिना यानी शक्ति, मानसिक शारीरिक शक्तियों की वृद्धि होती है। बच्चों बढ़ते हुए बच्चों में यह बहुत अधिक लाभदायक होता है। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक उपाय है जिसमें शुद्ध स्वर्ण भस्म, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, गौघृत और अन्य औषधियों को बच्चे को चटाया जाता है। यह एक प्रकार का आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन मेथड है तथा यह बच्चों में पूर्णतः दुष्प्रभाव रहित है। स्वर्ण प्राशन से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते, उनका विकास तेज होता है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा है, बुद्धि का विकास होता है, बच्चों का डाइजेशन इम्प्रूव होता है तथा त्वचा का रंग और कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है। सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश के सभी आयुष औषधालय में कम से कम 15 औषधीय पौधे वाला गार्डन बनाया जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में दवाओं की कमी ना हो, इसके लिए बीमारियों के लिहाज से दवाओं की जरूरत का अनुमान लगाने को कहा है। दूसरे चरण में 45 नए आयुष ग्राम बनाने को कहा है। इसके पहले 30 आयुष ग्राम बनाए गए हैं। इन ग्रामों में हर व्यक्ति का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाता है। इस आधार पर उनकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि की नियमित जाँचें की जाती है। स्वर्ण प्राशन है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। ये एक प्रकार से इम्यूनाइजेशन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही नहीं बढ़ाता, अमूमन ये आपके मेंटल जो डेवलपमेंट के लिए और एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ग्वालियर के घूसखोर पुलिस वालों का वीडियो पुलिस हेडक्वार्टर में अफसरों तक पहुंचा और हड़कंप मच गया। पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने तत्काल दोनों आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया। थाने में नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण बहुड़ापुर थाना प्रभारी वायस तोमर को भी लाइन अटैच कर दिया गया। पूरा वाक्या 4 दिन पहले का है, जब दोनों आरक्षक शिकायती आवेदन पर सील लगाने के लिए रुपए लेकर अपनी जेब में रखते वीडियो में कैद हो गए। गुरुवार को सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हुए। वीडियो बहुड़ापुर थाने में पदस्थ आरक्षक बजरंग तोमर व प्रशांत यादव के थे। वीडियो में दोनों आरक्षक थाने में आने वाले शिकायती आवेदन पर सील लगाने और ड्यूटी लगाने के बदले रिश्वत लेकर जेब में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में यह वीडियो वायरल होते होते पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल तक पहुंच गया। वहां से मामले की गंभीरता से लेने के बाद एसपी को निर्देश दिए गए, जिस पर पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने तत्काल एएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी 100 रुपए का नोट लेकर उसे अपनी पैंट की जेब में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद थाने में शासकीय कार्य के बदले रिश्वत लेते दिख रहे दोनों आरक्षकों की पहचान की जा चुकी है।
पहचान होने के बाद बहुड़ापुर थाने के आरक्षक बजरंग तोमर व प्रशांत यादव को उनके कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से एसपी नवनीत भसीन ने सस्पेंड कर दिया। जब बहुड़ापुर टीआई वाईएस तोमर से पूछताछ की तो उन्हें कुछ नहीं पता था, जिस पर एसपी नवनीत भसीन ने थाना स्टाफ पर नियंत्रण नहीं होने और बेहतर कार्य नहीं करने पर टीआई बहुड़ापुर को लाइन अटैच कर दिया। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 15 सालों में प्रदेश में माफिया राज बढ़ा है। माफियाओं पर कार्रवाई का कांग्रेस बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। अब तक 615 भू माफिया, 694 शराब माफिया, 150 मिलावट माफिया, 65 सहकारी माफिया, 149 वसूली माफिया और 1053 ट्रांसपोर्ट माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यह पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के लोग माफियाओं को बचाने के लिए कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने बीजेपी और संघ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज तक किसी बीजेपी और आरएसएस के लोगों को किसी आतंकवादी ने नहीं मारा, जबकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए हैं। आज तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद संघ बीजेपी या इनसे जुड़े हुए है वो किसी आतंकवादी ने कोई हाथ भी लगाया इनको, इसका क्या वजह है? ये हमारे तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी शहीद हुए, आतंकवादी हुए, इनके किसी को हाथ लगाया क्या? क्या वजह है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल अपने विधानसभा क्षेत्र सिहावल के ग्राम पंचायत पोखरा में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में पहुंचे। जनसमूह को संबोधित करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब लोगों को तहसील एवं जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे उनके समय, श्रम और धन की बचत होगी। पटेल ने उपस्थित अधिकारियों से लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण कर राहत प्रदान करने के लिए कहा। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब एवं वंचित वर्ग के विकास के लिए कटिबद्ध है। आज के इस आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो भी आवेदन दिए हैं उसका निराकरण भी होगा और हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे पानी है, सड़क है, बिजली है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ हम पूरी प्राथमिकता के साथ जिले के जो अधिकारी हैं वो मिलकर इसका निराकरण करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और सरकार की प्राथमिकता भी है। गांव का विकास भी हो, गांव में रहने वाले लोगों को उनको बुनियादी सुविधाएं भी मिले। शिविर के दौरान कमलेश्वर पटेल के द्वारा कूप निर्माण एवं मेड़ बंधन कार्य हेतु 37 हितग्राहियों को 41,95,380 रुपए सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं आजीविका मिशन के तहत 16 समूहों को 3,50,000 तथा 12 किसानों को ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। शिविर में 7 बालिकाओं और लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। ग्वालियर के चंपाबाग बगीचे में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पीयूष सागर जी की उपस्थिति में भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक बनाया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सकल जैन समाज की ओर से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को आत्मा हिंदकर उपाधि से अलंकृत किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान सकल जैन समाज द्वारा भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर भक्ति भाव के साथ लड्डू चढ़ाया गया और सभी श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।